दिल्ली में कोहरे और कड़कड़ाती ठंड से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है, लेकिन बर्फीली हवाओं और कोहरे से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। कोहरे के कारण रेल हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में देखिए, अयोध्या में, मथुरा, सीकर, जयपुर, चंदौली, सिलीगुड़ी में जबरदस्त कोहरा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ठंड से ठिठुर रही है, उसके साथ साथ दिल्ली और उसके साथ सटे और शहरों को कोहरे की एक मोटी चादर ने घेर रखा है। इस समय मैं दिल्ली के इंडिया गेट पर खड़ा हूं और आपको मैं विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे कोहरे ने इंडिया गेट को घेर रखा है और इंडिया गेट नजर भी नहीं आ रहा होगा आपको। अगर मैं अभी की विजिबिलिटी की बात करूं तो तकरीबन 50 मीटर के आसपास विजिबिलिटी नोट की जा रही है। कल के मुकाबले आज विजिबिलिटी में सुधार देखा जा रहा है, क्योंकि कल दिखाया गया था कि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई थी। उसके साथ साथ कल ही दिल्ली ने इस सीजन का सबसे ठंडा दिन भी देखा, जहां 3.9 डिग्री तक तापमान नोट किया गया। अगर मैं अभी के तापमान की बात करूं तो 7 डिग्री अभी का तापमान है और मौसम विभाग ने आज शनिवार के लिए रेड अलर्ट और कल संडे के लिए ऑरेंज अलर्ट कहा है और आने वाली 15 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। दिल्ली वालों को ठंड का सामना भी करना पड़ेगा, सुबह जब वो उठेंगे उन्हें धुंध भी देखनी पड़ेगी। और ना केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ लगता हरियाणा, उत्तर भारत में पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी ठंड के यही हालात बने रहेंगे। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ अनमोल नाथ थब्बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। दिल्ली में तापमान 3.4 डिग्री तक पहुंच गया, सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। कश्मीर में तापमान -10 से भी ज्यादा है और वहां पहुंची हैं हमारी साथी, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। कश्मीर से मौसम पर श्वेता की विशेष पेशकश। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कड़ाके की इस ठंड के बीच से, बर्फ की इस चादर के बीच से आज पूरे देश के मौसम का हाल हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम होता है वही जो बाकी के मैदानी इलाके होते हैं वहां के मौसम को निर्धारित भी करता है। तो पूरा उत्तर भारत जिस तरीके से अभी ठंड की चपेट में है और कोहरे ने कोहराम मचा रखा है, उस पर आप हमारी ये खास पेशकश देखिए। स्नो होनी चाहिए यहाँ कश्मीर, इसीलिए तो फेमस है कश्मीर स्नो के लिए ही। ठंड भी अब काफी हो गई है, ठंड बहुत है और कोहरा भी काफी है इस टाइम, और पब्लिक जो है घर से बाहर, मजदूर आदमी नहीं निकल पा रहे हैं ठंड की वजह से। इसे बिल्कुल ज्यादा सर्दी हो गई है, धुंध काफी बढ़ गई है। धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो बार बार शीशे को साफ करना पड़ता है, कनेक्टर को बोलना पड़ता है। जनवरी का महीना, न बर्फबारी न फुहार, थोड़ा सा स्नोफॉल नहीं देखने को मिल रही है, तो हम उस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। हम बस स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तक सैलानियों का इंतजार। बस इस स्नोफॉल के लिए बहुत वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दैट। मैदानों में कोहरा मचा रहा है, कोहराम। उठते हैं इतना कोहरा रहता कि सामने वाला नहीं दिखता, 10 मीटर तक का बंदा नहीं दिखता। बहुत ठंड काफी है कल से ज्यादा, आज कोहरा ज्यादा है, सुबह से काफी कोहरा हो गया है, धूप बिल्कुल दिख नहीं रही है। लंबे इंतजार के बाद जब पहाड़ों पर पहली बर्फ पड़ी तो लगा कि ये बर्फबारी आगे भी चलेगी,
लेकिन हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर, मौसम ने इस कदर करवट ली कि जिन इलाकों में बर्फ की मोटी चादर होनी चाहिए थी वहां सिर्फ सर्द हवाएं चल रही हैं। डल तो जमा हुआ देखना चाह रहे थे इसलिए मॉर्निंग में वॉक करते हुए चले आए कि जमी हुई डल लेक देखेंगे और इससे ज्यादा जमी हुई हम देख चुके हैं। लेकिन जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है। जी स्नोफॉल नहीं है, स्नोफॉल के उसमें आए थे कि थोड़ा बहुत स्नोफॉल मिल जाएगा लेकिन वैसा नहीं। स्नोफॉल के लिए आए थे वो थोड़े से एक उसमें डिलेमा में है कि अब कब तक स्नो आएगी क्योंकि फोरकास्ट में अभी भी स्नो नहीं आ रही। चाहते थे कि बर्फ पड़े बट नहीं पड़ी, बहुत मैंने सुना है लेट आ रही है इस बार बर्फ बहुत लेट पड़ेगी। तो स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब मिला नसीब में हुआ तो आज कल में होना चाहिए जैसे एक्सपेक्टेशन न्यूज पे बता रहे अपडेट आ रहे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मैदानी इलाकों में ठंड कहर बरपा रही है और ये भी दिखाएंगे कि जनवरी के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पहाड़ों पर बर्फबारी क्यों नहीं हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और लेह से उत्तराखंड तक जिन इलाकों में बर्फ की बारिश होती थी वहां आज सूखा है। हालांकि मैदानी इलाकों का हाल बुरा है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, कानपुर से हरिद्वार तक ठंड और कोहरे ने कैसा जीना दुश्वार कर दिया है हर शहर की तस्वीर दिखाएंगे। आज ठंड ज्यादा पड़ रही है, यहाँ आग सेक रहे जी सफदरजंग टर्मिनल पे, ऐसे ही सेकते रहते हैं, यहाँ बैठे रहते क्या करे, यही दुकानें लगाते यही सेकते रहते, ठंड ज्यादा है। ठंड तो बहुत है और ठंड की वजह से तो हाथ पैर भी काम नहीं करते। इस ठंड में आग जला के किसी तरह से रात बिता रहे हैं। ठंड की ऐसे दिक्कतें तो है, रोड पे कोहरा है, यहाँ आग जलता देखा हमने, रिक्शे वाले लोग जला के बैठे थे, थोड़ा हाथ सेकने रुक गए, हाथ बिल्कुल जाम हो रहे थे ठंड के मारे, इस मारे रुक के हाथ सेकना पड़ा। ठंड में भाई आग का इशारा होता है, क्या रोड के किनारे है ये पूरी लकड़ी है वगैरह है जरा ले आई है, ठंड का आराम से इतने काम भी करते जा रहे हैं अपना, हाथ भी सेकते जा रहे हैं ठंड में। आग ही एक रात में सारा मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है रात में, और काम करोगे तब भी आग जरूरी है, रात बिरात ठंड लग रही है तो नींद भी नहीं आएगी, प्यास भी लगेगी, रात को ठंड पड़ेगी तो आग सेकोगे तो प्यास भी लगेगी। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में तापमान अभी और गिरने वाला है? कश्मीर में बर्फबारी की शुरुआत कब से होगी? उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी से राहत कब मिलेगी? अभी तक तो सिर्फ सर्द हवाओं का खौफ था लेकिन अब बारिश भी होने वाली है। साफ है मौसम के बदले मिजाज के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कड़ाके की सर्दी का अनुमान है। आप मेरे चारों तरफ के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ देख पा रहे होंगे लेकिन अगर हम आम तौर पर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फबारी की बात करें तो ये उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिसंबर का पूरा महीना इस पूरे राज्य के लिए काफी हद तक फीका ही रहा। पहाड़ी राज्यों में और कैसा हाल रहा लेकिन अब आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ज्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए, स्नोफॉल नहीं देखने को मिल रही है। स्नोफॉल के लिए आए थे वो थोड़े से एक उसमें डिलेमा में है कि अब कब तक स्नो आएगी। चाहते थे कि बर्फ पड़े बट नहीं पड़ी, बट स्नोफॉल तो नहीं मिला बट मजा आया। जनवरी में जन्नत का जर्रा जर्रा बर्फीली चादर ओढ़ लेता था, घर बार से लेकर दरख्त तक बर्फ ही बर्फ से ढके होते थे। लेकिन तस्वीर देखिए, ठंडी हवाएं तो चल रही हैं, तापमान में गिरावट तो है लेकिन बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं। सड़कें सफेद हो जाती थी, आना जाना घूमना फिरना सब मुश्किल हो जाता था। We'll be right back.
लेकिन कश्मीर का बाजार गुलजार है। जो लोग पहुंच रहे हैं वो बर्फबारी के इंतजार में मायूस है। जन्नत में आने में तो हमेशा मजा ही आता है, बट ये है कि थोड़ा सा स्नोफॉल नहीं देखने को मिल रही है, तो हम उस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। बट ये तो जन्नत, भगवान ने जन्नत बनाई है, इसको जितनी बार देखो उतनी बार दिल भरता नहीं है। लेकिन जो स्पेसिफिकली हमारे जैसे जो स्नोफॉल के लिए आए थे वो थोड़े से एक उसमें डिलेमा में है कि अब कब तक स्नो आएगी, क्योंकि फोरकास्ट में अभी भी स्नो नहीं आ रही। तस्वीरें बानगी हैं कि कैसे इस मौसम में कश्मीर का टूर और ट्रैवल सिस्टम चरमरा गया। देश भर से हजारों लोग इस मौसम में कश्मीर घूमने पहुंचते हैं, बर्फबारी का मजा लेने आते हैं, लेकिन बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं। सिर्फ कड़ाके की ठंड की वजह से डल झील का पानी पत्थर हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में ठंड और बढ़ेगी, और जो ही बर्फबारी कश्मीर के पहाड़ों पर फिर होगी उससे न सिर्फ कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी ठंड की नई लहर जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो इस खुशक मौसम से एक राहत कश्मीर में लोगों को मिली है वो है कि कोहरे से निजात मिला है, लेकिन ठंडी हवाएं बहुत तेज पूरी रात जो है कश्मीर में पिछले कई दिनों से चल रही है, और आने वाले दिनों में इनमें और भी जो है ठंडक रहेगी। कश्मीर में सर्दियां मनाने के लिए हजारों की तादाद में हर रोज पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मलाल इतना है कि बर्फबारी उन्हें श्रीनगर में देखने को नहीं मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जिस अंदाज से मौसम के मिजाज बदलते रहते हैं, उस बीच जब सर्दी हो जाती है बहुत तेज सर्दी हो जाती है, जब गर्मी हो जाती है वो भी बहुत तेज गर्मी हो जाती है, उतना ही नहीं बल्कि मौसम में बदलाव अब साफ नजर आ रहा है। वरना दिसंबर के महीने में ही कश्मीर में बर्फबारी होती थी, लेकिन अब की बार जनवरी में भी पर्यटकों के साथ साथ आम लोग बर्फबारी के इंतजार में हैं। डल झील के जमने का मतलब है कश्मीर में भयंकर और खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन मजा तो स्नोफॉल में है। दुकानदारों को भी उम्मीद रहती है कि स्नोफॉल होगा तो सैलानी आएंगे, लेकिन सबकी नजरें आसमान की तरफ देख रही हैं। कश्मीर में ठंड की वजह से सिर्फ छोटे बड़े सभी झीलों में पानी जम गया है। हालत इस स्थिति तक पहुंची है कि उत्तरी कश्मीर का सबसे बड़ा झील वुलुर झील भी अब जमने लगा है। वुलुर झील जमने से इस झील में मछुआरों को भी अब दिक्कतें आ रही हैं, न सिर्फ चलने फिरने में बल्कि मछलियां पकड़ने में भी। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल एक हफ्ते तक कश्मीर में इसी तरह मौसम का मिजाज बना रहेगा, और ठंडी हवाएं और भी ज्यादा जो है तीव्रता से घाटी में दाखिल हो जाएंगी, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। फिलहाल कश्मीर में किसी भी ताजा बर्फबारी या किसी भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है, और जिस अंदाज से रात भर पूरा आकाश खुला रहता है, बादल नहीं होते हैं, उससे ये ठंड और भी बढ़ जाती है और हवाएं भी तेज चल रही हैं। ठंड बहुत है, सुबह सुबह तो पूरा फ्रीज हो रखी है झील, और बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है। दिल्ली में भी, दिल्ली से बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ। सुबह ठंड बहुत ज्यादा अच्छी खासी पड़ रही है, और यहाँ डल झील यहाँ पर बर्फ भी जम रही है अगर, और यहाँ शिकारा वाले अपनी रास्ता बना रहे हैं अगर बर्फ काट काट कर, अगर मजा आ रहा, मौसम अच्छा लग रहा है। झील में बर्फ की परत इतनी मोटी है कि शिकारा चलना तो असंभव है। सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए है जो झील में मछलियां पकड़ते हैं। झील की हालत ऐसी है कि लोग झील पर चहलकदमी कर रहे हैं। श्रीनगर में इस वक्त चप्पे चप्पे पर बर्फ जमी पड़ी होती है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में मौसम खतरे की घंटी बजा रहा है। जी हाँ, आने वाले दिनों में कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल कश्मीर में बर्फबारी भले ही न हो रही हो, लेकिन इस वक्त सीजन की सबसे जोरदार ठंड पड़ रही है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। श्रीनगर में इस वक्त दिन का तापमान -2 डिग्री है, तो रात का पारा -5.5 डिग्री तक पहुंच रहा है। गुलमर्ग और पहलगाम में पारा -6 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि पहलगाम में रात का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है।
लोगों की ठंड से कब कभी बंधी हुई है। लोग जगह जगह अलाव जला रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। एक एक दो दो जैकेट लगाई है, साथ में एक दो दो पजामा लगाया अंदर से ट्राउजर, तब भी ठंड नहीं रुकती है। ठंड ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। बिजनेस चल रहा है कुछ, सवारी आती है? बिजनेस सर, बिजनेस बहुत कम है। सर्दी का कुछ असर पड़ा? सर्दी का असर की वजह से भी सवारी नहीं है। जम्मू कश्मीर के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच से, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से हम आपको देश के बाकी पहाड़ी इलाकों का भी हाल दिखाते हैं। मकानों पर बर्फ की मोटी मोटी सफेद परत, गाड़ियों की छत पर बर्फ की परत, रास्ते बर्फ से पटे पड़े हैं, लेकिन यह हिमाचल के हर इलाके की तस्वीर नहीं है। इस वक्त हिमाचल के रोहतांग और डलहौजी में ही बर्फबारी हो रही है। पूरे 5 दिन हो गए हैं, लाहौल स्पीति बर्फ से पटा पड़ा है। लाहौल स्पीति में सैलानियों की बहार है, रोहतांग टनल पर लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बहुत आनंद आया और प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता के बीच आकर हम लोगों को बिल्कुल ऐसा लगा कि हम भी हिमाचली बन गए हैं। यहाँ आकर पहाड़ी जैसा फील आया। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा, यहाँ घूम के बहुत ही आनंद लिए, सब बच्चे लोग बहुत मजा किए, और एक अल्टीमेट ट्रिप है जिसको लाइफ में कभी भुला नहीं सकते। ऐसे ट्रिप है कि मतलब अब हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर फ्रेंड लोगों के साथ फिर प्लान करेंगे। उत्तराखंड में सूखी सर्दी ने लोगों के साथ साथ किसानों को भी बेहाल कर रखा है। केदारनाथ की तस्वीर देखिए, केदार धाम में पिछले 2 हफ्ते से बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, पिछले साल जून महीने में यहाँ बर्फबारी हुई, लेकिन जनवरी महीने में इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले साल बर्फबारी सामान्य से काफी कम हुई थी, लेकिन इस साल मौसम का मिजाज अनिश्चित बना हुआ है। बहुत ज्यादा सर्दी है इस टाइम, सर्दी का बुरा हाल, सर्दी में बुरा हाल है, लोगों को निकल नहीं जा रहा, सर्दी में कोई काम धंधा नहीं हो पा रहा है, घर से निकल नहीं पा रहे। एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना भी स्नोफॉल नहीं हुआ है। स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल के उसमें आए थे। दिसंबर के महीने में जब बर्फबारी हुई तो लोगों को लगा कि जनवरी में तो भारी बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन इलाकों में नलों में बहता हुआ पानी जम जाता था वहां सर्दी तो है, लेकिन बर्फ नहीं पड़ रही।